फिलीपींस से बीएस कर रहे भारत के छात्रों को एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने अवैध बताया है। इसी का विरोध जताते हुए एवं बीएस कोर्स को वैध किया जाए इसी मांग के साथ आज शहर के संविधान चौक पर सरकार के खिलाफ छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया है। फिलीपींस में एडमिशन लेकर बीएस कर रहे छात्रों को नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दिया गया है, जिसमें कई तरह के नए रेगुलेशन दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद फिलीपींस में पढ़ रहे छात्रों को कोर्स पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम्स बताते हुए बीएस कोर्स को वैलिड नहीं होने की बात कही है। इसलिए आज बीएस के छात्रों ने इसका विरोध करते हुए मांग की है, जो 18 नवंबर 2021 को नया रूल लगाया गया है। साथ ही नया नोटिफिकेशन 25 मार्च 2022 को जारी किया गया है, उसे नए छात्रों पर लगाया जाए, ना कि हम जैसे 2020 और 21 में एडमिशन ले चुके छात्रों पर लगाए। जी स्टूडेंट्स आहो, आम्ही ऑलरेडी एडमिशन घेतलेला आहे जे गॅझेट यायच्या 1 वर्ष आधी, 1 वर्ष झालं, त्यानंतर 1.5 वर्ष झालं। आम्ही आता MD एनरोल होणार आहोत ऑगस्ट महिन्यामध्ये। तर आमची जी 2 वर्ष वाया गेली, जी आमचे पॅरेंटची फीज गेली, जो आमचा जो म्हणजे आमची जी एज आहे, मेनली तेच गोष्ट आहे ना, की जे 2 वर्ष आमची जी वाया गेलेली आहे, त्याचे आम्ही दुसरं काहीतरी करू शकलो असतो, पण आता आम्ही 1 वर्ष तिकडे गेलो तर आम्ही आता रिटर्न घेऊ शकत नाही। तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की तो एकतर आम्हाला स्टेप बॅक करावं लागेल। आम्ही का स्टेप बॅक करू, जर आम्हाला MBBS करायचं आहे, जर आपली इंडियन फॅसिलिटीज आम्हाला म्हणजे एवढे मार्क्स पडून पण जर आम्हाला सर्विस देत नाही आहेत, की प्रायव्हेट कॉलेजची फीज एवढी जास्त, डोनेशन एवढी जास्त मागतात, जर आम्ही तिथे ॲडमिशन नाही घेऊ शकत, आणि हे जे बाहेरच्या देशामध्ये ॲडमिशन घेण्याचे जे प्रोसिजर आहे ते MCI किंवा NMC ऑलरेडी त्यांनी स्वतः स्टार्ट केली होती की तुम्ही बाहेर ॲडमिशन घेऊ शकता, तर जर आम्ही जर जात आहोत बाहेर तर मग अचानक असे रूल्स काय येत आहेत। आणि मेन प्रॉब्लेम हा आहे की तुम्ही नवीन रूल्स आणले ठीक आहे, तुम्हाला वाटत आहे नवीन रूल्स चांगले आहेत तर तुम्ही अप्लाय करू शकता, पण नवीन स्टुडंट्सवरती करा ना। आम्ही ऑलरेडी ॲडमिशन घेतलेलं आहे, आम्ही ऑलरेडी स्टडी करत आहोत। के लिए जमा हुए, जिसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये फिलीपींस में एडमिशन लिए हुए हैं। अब एक नोटिफिकेशन आता है NMC, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो 18 नवंबर को एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे न्यू रेगुलेशन वो लोग डालते हैं। किसके लिए? जो बच्चे एब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, एब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो लोग कई स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद से सिर्फ फिलीपींस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ऐसा र्यूमर पूरा मार्केट में आया कि उनका जो कोर्स पैटर्न है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। फिलीपींस का कोर्स पैटर्न ऐसा है, BS कोर्स 1.5 से 2 साल का होता है, उसके बाद MD कोर्स होता है 4 साल का। ये नोटिफिकेशन के बाद ये र्यूमर फैला कि BS कोर्स वैलिड नहीं है, तो इन स्टूडेंट्स ने नेशनल मेडिकल कमीशन को लिखा, एम्बेसीज को लिखा कि क्या ये र्यूमर सही है या गलत है। तो कई बार उन्होंने बीच बीच में एम्बेसी के थ्रू उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया कि BS कोर्स वैलिड नहीं रहेगा। ॲक्च्युली झालेलं असं होतं की जे टेलिफोनिकली आम्ही बोललेलो तर आमच्याकडे ते रेकॉर्डिंग्स आहेत, ते प्रूफ्स आहेत। 18 नोव्हेंबर 2021 नोटीस नंतर आम्ही जेव्हा त्यांच्यासोबत कॉन्टॅक्ट केलं तर त्यांनी आम्हाला असं दिलासा दिला की तुम्ही लोक जे ज्यांची ॲडमिशन ऑलरेडी झाली आहे 18 नोव्हेंबर 2021 आधी, ते लोकांना टेन्शन घ्यायची काहीच गरज नाही। त्यांनी आम्हाला दिलासा दिला, आम्ही बिलकुल टेन्शन फ्री झालो। त्याच्यानंतर 25 मे 2022 त्यांनी नोटीस काढली आणि त्याच्यानंतर आम्ही पुन्हा प्रॉब्लेममध्ये आलेलो। आणि जर का त्यांनी दिलासा दिला तर असा खोटा दिलासा त्यांनी आम्हाला कशाला दिला? आणि दिलासा दिल्यानंतर पण जेव्हा कोर्ट हिअरिंग झाली, छात्रों द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन पर तीव्र नाराजगी जताई गई, साथ ही मांग पूरी ना होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया गया है। अब देखना होगा कि इन छात्रों की मांगें पूरी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।